बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज भी हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 14 के बाकी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिली वेबर। द कॉइल हैज 100 टर्न्स एंड अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 400 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। फाइंड द एवरेज EMF एंड द करंट if the coil is moved 1 over 10 second from the given field to a field of 0.2 milliweber. ek hamare paas jo hai resist coil hai jiske resistance 100 ohm hai, usko kisi magnetic field mein rakha gaya hai jiski jo hai magnetic flux jo hai wo hai 1 milliweber. ab jo hai iske jo number of turns hai, the coil has 100 turns and a galvanometer of 400 resistance is 400 ohm resistance is connected in series with it. और एक जो है इस कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर रखा गया है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है 400 है। उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने फाइंड आउट करना है EMF और करंट। अगर जो ये कॉइल जो है कॉइल इज मूव्ड 1 over 10 seconds फ्रॉम द गिवन फील्ड टू अ फील्ड ऑफ 0.1 milliweber, कि अगर इस कॉइल को हम मूव कर ले कितने टाइम में 1 over 10 seconds में 0.1 second में कौन से फील्ड में जिसका फ्लक्स जो है वो 0.2 milliweber है। अब हमारे पास गिवन डेटा है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास वो है 100 टर्न्स। इसके बाद जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं RG, जो कि हमारे पास है 400 ओम। इसके बाद हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है φ1 जो है उसको मैं नाम देता हूँ 1 मिली वेबर। तो 1 मिली वेबर जो है हमारे पास बराबर होता है 1 × 10⁻³ वेबर। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड जो हमारे पास फ्लक्स है वो है φ2, जो कि बराबर है 0.2 मिली वेबर, जो कि बराबर है 0.2 × 10⁻³ वेबर। टाइम जो गिवन है Δt वो है 1/10 सेकेंड, जो कि बराबर है 0.1 सेकेंड। ये गिवन डेटा है। अब रिक्वायर्ड डेटा है जो हमसे हमने फर्स्ट फाइंड आउट करना है EMF को एंड ऑप्शन बी जो है हमने करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन पार्ट ए फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट EMF जो है वो बराबर है −n Δφ/Δ। EMF जो है ये बराबर है −n Δφ/Δt। अब जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए EMF जो है हमारे पास −n Δφ है, तो ये हो जाएगा φ2 − φ1 / Δt। अब पुटिंग वैल्यूज करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा −100, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, φ2 जो है वो है हमारे पास 0.2 mL/10⁻³ −1 × 10⁻³, तो ÷ 0.1 सेकेंड। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है EMF की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास EMF की वैल्यू आ गई 0.8 वोल्ट। नाउ जो अब हम करंट की बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी ओम वो 100 ओम है और एक गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास 400, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने गिवन डेटा में उसकी वैल्यू नहीं लिखी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि R जो है वो हमारे पास है 100 ओम, ये गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी कि करंट जो ये बराबर है EMF/R + RG। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि I = EMF की वैल्यू जो है हमने अपनी फाइंड आउट कर ली 0.8, R की वैल्यू हमारे पास है 100 और RG की वैल्यू हमारे पास है 400। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.6 × 10⁻³ और 10⁻³ हमारे पास किस चीज़ के बराबर मिली, सो 1.6 mA। अगर आप जो इनकी स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकेंड। कोई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है जिसके लिए हमारे पास 10 मीटर है और उसको एक्सटेंड किया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वो जो है फॉल कर रहा है, मीन नीचे आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकेंड एट राइट एंगल, सही है, टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 0.30 × 10⁻⁴ वेबर/मीटर². अब मांगा जा क्या क्या जा रहा है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस इन अ वायर, इस वायर में जो कितना EMF इंड्यूस होगा। नंबर ऑप्शन बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द EMF, EMF की डायरेक्शन क्या होगी। एंड ऑप्शन सी, व्हिच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और इस वायर का कौन सा एंड जो है वो हायर पोटेंशियल होगा। सो गिवन डेटा है हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर जो है एल वो हमारे पास है 10 मीटर, ठीक है। स्पीड जो हमें गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और 8 राइट एंगल। जब राइट एंगल की बात आती है तो मतलब ये हुआ कि थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो कि बराबर है 0.30 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डेटा जो है हमारे पास, ऑप्शन ए जो है ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन बी जो है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, एंड ऑप्शन सी इज विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, एंड एट द हायर पोटेंशियल। नाउ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए, वी नो दैट हमने ईएमएफ फाइंड आउट करना है, हमारे पास लेंथ है, वेलोसिटी है, बी है, थीटा है, सो वी नो दैट ईएमएफ जो है ये बराबर है बी एल वी साइन थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बी की वैल्यू है 0.30 × 10⁴, लेंथ जो है हमारे पास 10 मीटर, स्पीड जो है 5, और साइन थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। अब इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी आती है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई 1.5 × 10⁻³, और 10�³ जो है मिली के बराबर, सो ये जो है 1.5 mV। अब जो ये ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो होगी वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होगी, बिकॉज वहाँ पे लेंथ जो है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, सो वहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ है वो भी उसी ही डायरेक्शन में होगी। अब ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, एंड एट द हायर पोटेंशियल, के कौन सा एंड जो है ईस्ट और वेस्ट वो कौन सा जो है पोटेंशियल हमारे पास हायर पोटेंशियल पे होगा। सो हमें पता है कि जब हम किसी पॉइंट से जो है लाते और किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं जहाँ पर हमें वर्क डन करनी होती है, जहाँ पर हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, तो जिस डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे होते हैं वही हमारे पास क्या होता है हायर पोटेंशियल। सो यहाँ पर हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, सो देन वेस्ट विल बी द एंड विच इज एट हायर पोटेंशियल, वेस्ट विल बी एट अ हायर पोटेंशियल। तो अगर आप इसके जो स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। कोई एक सर्किट है जिसमें करंट जो है वो फॉल करता है, मीन्स कम हो जाता है, फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस, अगर इस टाइम जो है हमारे पास एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है 200 वोल्ट, देन गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, तो बताएं कि इस सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। नाउ गिवन डेटा, करंट जो है I1 हमारे पास है 5 एम्पियर, I2 जो है हमारे पास 0 एम्पियर, टाइम जो है डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, और हमारे पास ईएमएफ जो है वो है 200 वोल्ट। रिक्वायर्ड डेटा जो है हमारे पास वो है इंडक्टेंस L, हमने फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट ईएमएफ जो है ये बराबर है -L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो है -L डेल्टा आई जो ये बराबर होगा I2 - I1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब पुटिंग वैल्यूज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ईएमएफ की वैल्यू है 200 - L, और यहाँ पे आ जाएगा I2 की वैल्यू कितनी है 0.0 - 5, और डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू है 0.1। अब 0 - 5 से क्या आता है, -5 ही आता है, तो इससे आ जाएगा 200 0.1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू यहाँ से -5 और प्लस जिससे आ जाएगा 5 L आ जाएगा। अब हमें सिर्फ जस्ट L चाहिए तो डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट कि L इज इक्वल टू 200 × 0.1 / 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं कि कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4 हेनरी। अगर जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 7, अ लॉन्ग सोलेनोइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, को एक सोलेनोइड है जिसमें हमारे पास पर सेंटीमीटर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है 15, हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया, उसका जो एरिया है वही 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको प्लेस किया गया इनसाइड द सोलेनोइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस
और दूसरा एक सोलेनोइड जो है इसके एक्सिस के नॉर्मल वहाँ पे रखा गया है. इफ द करंट कैरीड बाय द सोलेनोइड चेंज स्टेडली, अगर इस सोलेनोइड में जो करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 एम्पीयर टू 4 एम्पीयर इन 0.1 सेकंड, देन व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग. तो जब करंट चेंज हो रहा है तो फिर जो ईएमएफ जो है वो कितना इंड्यूस होगा. सो हमारे पास एक गिवन डेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये स्मॉल एन है तो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है. हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 टर्न्स डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 1/100 मीटर. सो ये 100 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि n इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 टर्न्स पर मीटर, जो कि बराबर है 1500 टर्न्स पर मीटर. ये n की वैल्यू. इसके बाद हमारे पास एरिया जो है वो है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको जो है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास एरिया आ गया. करंट जो है I1 की वैल्यू हमारे पास है 2 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू हमारे पास है 4 एम्पियर. क्योंकि ये चेंज हो रहा है, डेल्टा टी जो है हमारे पास वो है 0.1 सेकंड. तो गिवन डेटा है. अब रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा जब करंट में चेंज है. क्योंकि जब भी करंट में चेंज आता है वहाँ पर हमारे पास फील्ड में चेंज आएगा, फील्ड में चेंज आएगा तो फ्लक्स चेंज होगी, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी. हाँ, सॉल्यूशन है हमारे पास. वी नो दैट हमारे पास ईएमएफ है एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. नाउ इसको थोड़ा सा जो है सिंपल कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा एन डेल्टा फाई जो हमारे पास बी डॉट ए के बराबर है एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इन केस ऑफ सोलेनोइड वी नो दैट इज हमारे पास जो बी है इन केस ऑफ सोलेनोइड वो बराबर है एन म्यू नॉट टाइम्स आई. एन म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर. नाउ पुट इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट के ईएमएफ जो है ये बराबर हो जाएगी एन डेल्टा बी की जगह हमारे पास आ जाएगा एन म्यू नॉट आई और ए उसके साथ आ जाएगा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. अब एन जो है ये भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि ई एम एफ इज इक्वल टू एन स्मॉल एन म्यू नॉट और डेल्टा जो है ये आई के साथ आ जाएगा डेल्टा आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. अब जो ये अगर हम देखें तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम डेल्टा आई की वैल्यू निकाल देते हैं कि डेल्टा आई की वैल्यू क्या होगी. डेल्टा आई हमारे पास है आई टू माइनस आई वन. इससे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा आई इक्वल टू आई टू की वैल्यू है 4 माइनस 2. तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि डेल्टा आई इक्वल टू 2 एम्पीयर. अब जो है और एन जो है हमारे पास सिंगल लूप है तो एन की वैल्यू जो है वो भी किस चीज़ के बराबर है 1 के बराबर है. नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इंप्लाइज के ईएमएफ जो है ये बराबर हो जाएगा कैपिटल एन 1 के बराबर, स्मॉल एन जो है ये 1500 के बराबर हो गया, म्यू नॉट जो है ये कांस्टेंट है जो कि बराबर है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7, डेल्टा आई जो है ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 2 एम्पियर के बराबर है, और एरिया जो है ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है. तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 0.1. अब जो है इसको कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है. अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ईएमएफ इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 6 वोल्ट. अगर आप जो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इन न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी. इंशाल्लाह बाकी की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.